हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेलिसन क्लब व्लॉग्स। आज मैं आपको हूप कलेक्शन दिखाऊंगी गोल्डन के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हूप्स। इसमें कुछ स्मॉल हैं, कुछ फैंसी स्टाइल हैं और कुछ गोल्ड हूप्स हैं। So let's start. यहाँ पर मैं दो स्टाइल के और दो डिज़ाइन के हूप्स ट्राई कर रही हूँ। पहले एक सेट पहना है, उसका एक इयररिंग पहना है और दूसरे सेट का दूसरा इयररिंग सेकेंड होल में पहना है। फर्स्ट में जो मैंने हुप पहना है वो उस डिज़ाइन का, ये थर्ड वाले में पहनूंगी अब सेकेंड हुप। इसमें जो हार्ट शेप डाला हुआ है, एक साइड से गोल्डन है और एक साइड से मरून है। सो आपको जैसे भी मैचिंग के हिसाब से करना है आगे पीछे, तो आप इसको निकाल के दूसरी साइड से डाल दें तो ये मैचिंग हो जाएगा। ये वाला जो मैंने सेकंड होल के अंदर पहना है, इसका सेकंड हूप मैं फोर्थ होल के अंदर पहन रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा कि चार हूप्स एक साथ, चार एक के बाद एक पहनना, तो ये किस तरह से लुक आता है। सो दैट्स द लुक। यहाँ पर मीडियम साइज़ हूप्स और इयररिंग्स जो भी हों आपके पास, थोड़े बड़े में ट्राई कर सकते हैं वो। अगर मैं इसके ऊपर बड़े हूप्स ट्राई करूँगी ऊपर वाले पियर्सिंग्स के अंदर, तो वो कुछ अजीब लुक आएगा क्योंकि वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, सेपरेट लुक नहीं आएगा उसका। तो यहाँ पर जहाँ तक सेपरेट लुक आएगा वहाँ तक मैंने ट्राई करे हैं। सो ये आप भी कोई से भी स्टाइल के हूप्स पहन के देख सकते हैं। मैंने आपको फ्रंट लुक भी दिखा दिया है फ्रंट साइड से कि ये चारों एक साथ किस तरह से लगेंगे, और ये साइड लुक है। सो हम सेकंड स्टाइल ट्राई करते हैं। ये स्मॉल साइज हूप्स हैं, एक्चुअली ये मेरे गोल्ड के हूप्स हैं। सो इससे पहले मैंने ये सारी पियर्सिंग के अंदर कोई से भी हूप्स ट्राई नहीं करे हैं, हमेशा स्टड्स ही पहन के रखे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करके देख रही हूँ आपके सामने ही, तो इससे बताइएगा मुझे कमेंट्स में भी कि कैसे लग रहे हैं। एक बार की पियर्सिंग के बाद आपको ये बेनिफिट होता है, जब वो ठीक हो जाए, अच्छे से हील हो जाए, तो आप कुछ भी उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं जो आप चाहें। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है, थोड़ी टॉलरेंस रखनी पड़ती है। जब एक दफ़ा बिल्कुल हील हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप कुछ भी ट्राई करें, इतना ज़्यादा पेन और इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होते। लेकिन बस ये है कि आप उसको मुसलसल कुछ ना कुछ पहन के रखें, वरना अगर आप इस तरह खुला छोड़ देंगे तो वो दोबारा से उसके अंदर स्किन लेयर आ जाती है जो बंद हो जाते हैं, तो दोबारा पियर्सिंग करना तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ऐसे कोई करना भी नहीं चाहेगा बार बार बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर और सबसे नीचे थोड़े बड़े साइज़ के आर्टिफिशियल हूप्स पहने हैं, बाकी बीच वाले सारे होल्स के अंदर गोल्ड हुप्स ट्राई करे हैं। सो यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग प्रिटी। ये सेकंड लुक है, मैंने इसमें कोंच के अंदर भी एक हुप्स ट्राई किया है। ये कुछ ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा बाकी हुप्स के साथ, तो मैंने दो हुप्स उतार दिए हैं। अब इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है।
सो कॉन्च में भी मैंने फर्स्ट टाइम हुप्स ट्राई किए हैं. आई फील सो डिफरेंट टुडे इन माय हेयर. ये बिल्कुल डिफरेंट और वियर्ड स्टाइल है थोड़ा सा. सबसे बड़ा हुप मैंने कॉन्च के अंदर पहना है. एक्चुअली मैंने पहन तो लिया है, लेकिन आगे चल के देखते हैं और हुप्स पहनने के बाद कि ये इसका लुक क्या आ रहा है. अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उतार दूंगी मैं. सारे हुप्स पहनने के बाद ये कुछ इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन जिनको इस टाइप का फैशन पसंद है, चंकी स्टाइल और थोड़ा सा वियर्ड स्टाइल, तो वो पहन सकते हैं. मुझे कुछ इतना ख़ास बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैंने सिंपल उसमें पहना था तो ज़्यादा अजीब लग रहा था. लेकिन सारे हुप्स के साथ बुरा नहीं लग रहा. यहाँ पर मैंने थोड़े मीडियम साइज़ हुप्स ट्राई करे हैं तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, एज़ यू कैन सी दैट. इसको उतार कर भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ. यहाँ पर मैंने इंडस्ट्रियल बार उतार दिया है अपना और उसके अंदर भी स्मॉल हुप ट्राई कर रही हूँ. मैंने काफ़ी पियर्सिंग्स के अंदर देखा है कि ऊपर के साइड पे भी फ्रंट हेलिक्स में और ऊपर के साइड पे भी हुप्स पहन सकते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. एक्चुअली मेरे पियर्सिंग्स को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल के करीब हुआ है, लेकिन उस वक्त हीलिंग प्रोसेस की वजह से मैंने ज़्यादा इयररिंग्स ट्राई नहीं करे थे, क्योंकि बार बार अगर आप उतारते हैं तो आपके कान बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने कोई भी इस तरह के इयररिंग्स ट्राई नहीं करे थे. क्योंकि आप लोग कहेंगे क्या, हर एयरिंग के ऊपर मैं यही कहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसी वजह से ये फ़र्स्ट टाइम ही है इस तरह के कोई भी एयरिंग्स में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. क्योंकि इससे पहले तो हीलिंग प्रोसेस इतना लंबा था कि उसके अंदर सिर्फ गोल्ड स्टड पहन के रखे थे. लास्ट टाइम मैंने ब्लैक कलर में आई थिंक आपको इसी तरह से ही फ्लैट कार्टिलेज के अंदर हुप्स पहन के और एयरिंग्स पहन के दिखाए थे. तो यहाँ पर अगेन गोल्डन स्टाइल में ट्राई करें हैं और ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल लग रहा है. अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की इससे रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड वीडियोस और भी मल्टीपर्पज़ थिंग्स हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं. तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी. और लाइक करना मत भूलिएगा. मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक जो भी वीडियोस वगैरह मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है और सबको बहुत पसंद आई है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी. यहाँ पर जो मेरी डबल लोब पियर्सिंग है ऊपर वाली और नीचे वाली, उसमें भी मैंने दोनों में हुप्स ट्राई करे हैं और सारे बड़े बड़े हुप्स ट्राई करे हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.